किसने ये कत्ल किया, वो कौन था, वो कौन था दोस्तों, वो कौन था। कीनिया वाले कोई और बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान वाले कोई और बयान दे रहे हैं, तो लिहाजा यानी इसका जवाब दिया जाए पाकिस्तानी कौम को, इस मौत का जिम्मेदार कौन है। उनका जो सॉन्ग रिलीज हुआ उस पर है एक्शन। तो दोस्तों इस सॉन्ग का नाम इंसाफ का दाल है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरशद शरीफ के बारे में, जिनको यानी रिसेंटली अभी कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। यानी अभी ये कत्ल किसने किया, कैसे करवाया, क्या हुआ, इस पे बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो इसका जवाब यानी हर कोई बंदा तलाश कर रहा है अरशद शरीफ के। पाकिस्तान के नाम निहाद एक सहाफी और जर्नलिस्ट थे, उनको कई अवार्ड्स भी मिल चुके थे, लेकिन अफसोस यानी पाकिस्तान में सच बोलने वालों को कत्ल करवा दिया जाता है। पाकिस्तान में जान की ही, इंसानी जान की ही कीमत नहीं है। अफसोसनाक वाकया दोस्तों कीनिया में हुआ, जहां उन्हें गोलियों से कत्ल करवा दिया गया। पाकिस्तान में कोई भी अगर बंदा यानी सच बोलेगा या कुछ भी करेगा तो क्या उसे इसी तरह कत्ल कर दोगे। इस मौत का जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान को इस सहाफी की मौत का जवाब देना होगा दोस्तों। किसने ये कत्ल किया, वो कौन था दोस्तों। कोई भी बंदा अगर सच बोलेगा पाकिस्तान में तो उसे कत्ल करवा दिया जाएगा। मेरी अपील है पाकिस्तान के सब अदारों, सारे हादसे के पीछे कौन मुलव्वस है। पोस्टमार्टम के बाद भी कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, यानी मुजरमों के बयानात ही नहीं मिल रहे। कीनिया वाले कोई और बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान वाले कोई और बयान दे रहे हैं, तो लिहाजा यानी इसका जवाब दिया जाए पाकिस्तानी कौम को, और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत ही अफसोस होता है जब हम इस तरह की कोई न्यूज सुनते हैं, किसी सहाफी को सरेआम कत्ल कर दिया गया या सरेआम जेल में डाल दिया गया, और उन पर झूठे मुकदमे डालकर यानी आप लोग जेलों में बंद करके उन पर तशद्दुद करते हो। यानी ये कहाँ का इंसाफ है। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम, यानी जब तक पाकिस्तान की अदालतें मजबूत नहीं होंगी, किसी गरीब बंदे को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा दोस्तों पाकिस्तान हमारा मुल्क और हम ही इसके पास में, हमको ही पाकिस्तान ठीक करना है यानी एज ए नेशन। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। खाली गवर्नमेंट कुछ नहीं ठीक कर सकती जब तक तुम सारे यानी अपने आप को ठीक ना करो। सारी कौम को मिलके काम करना पड़ेगा, यानी एक दूसरे के साथ तआवुन करना पड़ेगा, बजाय इसके कि एक दूसरे को रिश्वतें देकर, पैसे वगैरह देकर और काम करवा लिए जाए या बंदे मरवा दिए जाए। यानी ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। दोस्तों आइए अभी ये सॉन्ग सुनते हैं, और यानी बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और मैंने पहले सुना भी है, और लेकिन अभी इस सॉन्ग पर यानी रिएक्शन भी अपना रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। एक रियलिटी के ऊपर ये सॉन्ग बना है, इंसाफ दा दाल। तो दोस्तों आइए इस सॉन्ग को सुनते हैं। तो दोस्तों इस सॉन्ग का नाम इंसाफ दा दाल है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है, जिसमें यानी ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर लॉ एंड वी आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये एक मेन इसका मोटिव है, वो अभी सुनते हैं। The lyrics of this song is amazing. Pan tamal band akha kanoon di athe, aur ye sach hai kanoon di athe chor lutere pan tamal chor lutere pan tamal गरीब बेचारे भुखे मर गए गरीब बेचारे भुखे मर गए लुच्चा की का किता मुर्दा दोस्तों अल्लाह दे ना मुल्क बनाया की करता इस मुल्क दा। अफसोस के साथ पाकिस्तान में सारे इंसान बराबर नहीं है दोस्तों। इंसाफ दकाल क्यों नहीं सब इंसान बराबर क्यों हैगा इंसाफ दकाल।
रिश्वत तो ऐसे चलती है जैसे सुहाब का काम है पाकिस्तान में। रिश्वत रिश्तेदारी चलती, जात बरादरी पार्टी चलती, रिश्वत रिश्तेदारी चलती, जात बरादरी पार्टी चलती, हक मेरिट दा मुल न कोई, नौकर शाही सुती होई, जेड़ी अख ने नजर सी रखनी, जेड़ी अख ने नजर सी रखनी, ओसी अख च सूर दवाल, अल्लाह दे ना मुल्क बनाया। वाकई दोस्तों बहुत ही अफसोसनाक बात है, ये सच के ऊपर गाना बनाया, रियलिटी बताई जा रही है इस सॉन्ग में। क्यों नहीं सब इंसान बराबर, क्यों हैगा इंसाफ दका। बिल्कुल सही बात, कब्जा हो जाए तो नहीं छूटता, कब्जा हो जाए ओ नहीं छूटता, कब्जा हो जाए ओ नहीं छूटता, झगड़ा पै जाए। बिल्कुल सही बात है, झगड़ा पै जाए ओ नहीं मुकदा, कत्ल करो नहीं फांसी लगदी, कत्ल करो नहीं फांसी लगदी, हराम खा नहीं खांसी लगदी, अल्लाह दे ना मुल्क बनाया, की करता इस मुल्क दा। टैक्स न दे ओ कोई नहीं पुछदा, पैसे लगदी नहीं चुकदा, कोई नहीं पुछदा, पैसे लगदी नहीं चुकदा, वकील दी जा एथे जज करा लो, जालिम जा मजलूम फड़ा लो, शहद शराब च फर्क न कोई, शहद शराब च फर्क न कोई, कुत्ती रल गई चोरा नाल, अल्लाह दे ना मुल्क बनाया, की करता इस मुल्क दा। सब इंसान बराबर, क्यों हैगा इंसाफ दा काल, क्यों नहीं सब इंसान बराबर, क्यों हैगा इंसाफ दा काल, क्यों नहीं सब इंसान बराबर, क्यों हैगा इंसाफ। वाओ दोस्तों, जस्ट अमेजिंग दिस सॉन्ग। दोस्तों एक एक लफ्ज इस सॉन्ग का सच्चा है, यानी पाकिस्तान में लोग, यानी सारा कुछ बिक जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोग यानी पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, यानी कि हर चीज बिकती है पाकिस्तान में, बिक जाते हैं सारे लोग, अपना ईमान बेच देते हैं, सारा कुछ बेच देते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। तो लिहाजा अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो इस वीडियो का इख्तिताम दोस्तों यही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। यानी ये सॉन्ग सुनने के बाद यानी और कुछ कहना बाकी है नहीं, यानी सारा कुछ पता है, यानी हम लोगों को हर चीज़ का पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी यानी सही काम नहीं करना। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।